अगर आपको साबूदाना की रेसिपीज पसंद आती है और लो कैलोरी भी चाहिए तो ये रेसिपी स्पेशली आपके लिए बनाई गई है, जो व्रत स्पेशल है, फलाहारी है, टेस्टी भी है, साथ में ये लो कैलोरी भी है। श्रीनाथ क्रिएशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। आज हम फराली व्रत स्पेशल साबूदाना थालीपीठ बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें 3 आलू को उबाल के रखना है। आलू को हमें छिलके निकाल के ग्रेट करना है या फिर इसे स्मैश करना है, मैंने ग्रेट करके रखा है। अब हमें साबूदाना लेना है। साबूदाना को 4-5 आवर के लिए मैंने पहले से भिगा के रखा था और इसमें ये देखिए फ्रेंड एकदम सॉफ्ट है और इसमें एकदम सूखे है। इसमें पानी का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे सेम सॉफ्ट साबूदाना हमें इसमें 1.5 कप जितना डालना है और अगर आपको कम ज़्यादा डालना है तो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें पोटैटो की जगह पे आप उबले हुए कच्चे केले भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली जिंजर की पेस्ट डालेंगे, 2 टीस्पून जितनी मैंने डाली है। आप तीखा आपको जितना लगता है उतना आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। जीरा मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाला है, इससे इसकी जो फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। अब इसमें रोस्टेड क्यूमिन पाउडर डालेंगे यानी कि जीरे को हमें भून के इसका पाउडर बनाना है और इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है बहुत ही अच्छी आती है और इसे हमें 1/2 टीस्पून डालना है। अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि मरी का पाउडर, वो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाला है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया यानी कि कोरिएंडर। कोरिएंडर अगर आप खाते हैं तो इसमें डालिए, अगर नहीं खाते तो स्किप करें। और इसका प्रोपोर्शन भी आप आपके टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम सोल्ट या फिर सेंधा नमक डालेंगे और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस की जगह पे आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर नींबू के फूल भी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन जूस का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसमें मैंने 1/2 नींबू का रस इसमें डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून जितना राजगिरा का आटा, इससे बाइंडिंगनेस बढ़ती है और थाली पीठ को जब हम इसे बेलते हैं तो ये परफेक्टली बनती है, टूटती नहीं है। अगर आपके पास राजगिरा का आटा नहीं है तो आप इसमें फराली आटा जो मिक्स मिलता है बाद वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो आटा मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे रोस्टेड पीनट पाउडर 3 टेबलस्पून जितना और ये सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और हल्के हाथ से इसे अच्छे से मर्ज करना है, गूंदना है ताकि इसका जो डो है वो परफेक्टली बैठ जाए और जब इसे हम बेले तब हम परफेक्टली इसे बना पाए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा डो रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे और इसे अच्छे से नेड करके अब इसके हम गोले बनाएंगे। थाली पीठ की हमने जितनी थिकनेस रखनी है, साइज रखनी है, वो हिसाब से हम इसके गोले रेडी करेंगे और इसके बाद हम ये गोले में से थाली पीठ बनाएंगे। अब हम थाली पीठ बनाएंगे तो इसके लिए हमें बोर्ड या रोलिंग पैन के ऊपर हमें एक प्लास्टिक शीट लगानी है और इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हमने जो लोया बनाया था वो इसके ऊपर रखना है और इसे हल्के से इसे चारों बाजू इक्वली इसे प्रेस करना है। प्रेस करते टाइम इसका जो प्रेशर है एकदम मीडियम रहना चाहिए, एकदम हल्का प्रेस करना है और इसे चारों बाजू से ऐसे ही सेम हमें प्रेस करके ऐसे थिकनेस वाला बनाना है। अब इसे आप दूसरे स्टाइल में भी कर सकते हैं, इसे बेलन से बेलेंगे तो अच्छे से नहीं होगा, ये एकदम सॉफ्ट हो रहता है। तो इसे थोड़ा हाथ से स्प्रे करेंगे, फिर अपने पास जो डब्बा रहता है या फिर कोई वाटी है इसे हल्का सा प्रेस करके भी हम इसे थाली पीठ का शेप दे सकते हैं। एकदम हल्का प्रेस करना है और चारों साइड से इसे हमें जब फट गई है वहाँ से हमें इसे अच्छे से प्रेस करके इक्वल बनाना है। अब हमें थाली पीठ को अच्छे से रोस्ट करना है तो रोस्ट करने के लिए नॉनस्टिक तवा लेना है, इसके ऊपर आप तेल, घी, बटर कुछ भी लगा सकते हैं। और थाली पीठ को हमें प्लास्टिक की शीट के साथ ही लेना है, अकेले हाथ से लेंगे तो थाली पीठ टूट जाएगी। अब इसे हमें मीडियम आंच पे इसे कुक करना है, दोनों बाजू से अच्छे से रोस्ट करना है और इसमें जो साबूदाना है वो कच्चा है तो ये दोनों बाजू से अच्छे से रोस्ट हो जाए और कुक भी हो जाए वैसे हमें ध्यान रखना है। साबूदाना बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इसे हम
दो बाजू अच्छे से रोस्ट करेंगे। और अगर आपको फ्राई फूड पसंद नहीं है लेकिन आपको साबूदाना बहुत ही पसंद है तो ये सबसे बेस्ट चॉइस है। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है और टेस्ट में ये थोड़ा साबूदाना वड़ा जैसी लगती है, लेकिन वड़ा फ्राइड रहता है जबकि थाली पीठ है वो रोस्ट की हुई रहती है, तो इसमें कैलोरीज बहुत ही कम हो जाती है। तो आप इसे लो कैलोरी में चाहिए तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी थाली पीठ रोस्ट होकर तैयार है। थाली पीठ महाराष्ट्र की सबसे फेवरेट रेसिपी है। थाली पीठ को आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। गर्म गर्म थाली पीठ टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है और इसे आप पीनट कर्ड का डीप है इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। मेरा लास्ट वीडियो है साबूदाना वड़ा, उसके साथ मैंने पीनट कर्ड का जो डीप है कैसे बनाना है वो मैंने दिखाया है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिए। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साबूदाना थाली पीठ आप बनाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।